आज माँ भगवती विकास संस्थान के कार्यालय में बैठे हुए हैं। ये संस्था एक बहुत अच्छा काम कर रही है। महेश आश्रम चला रखा है उन्होंने। भगवान महेश को हमेशा संहार देवता के नाम पर माना जाता है, लेकिन ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो उन बच्चों को सहारा देती है जिनका कोई धनी धुनी नहीं है, जो लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। मूलतः ये बच्चों को पालने का काम करती है और इनका प्रयास ही रहता है कि जो बच्चे सड़क पर या कहीं और जगह हों वो भी लोग फेंके ना, बल्कि इनको सौंप दें, जिससे बने देश का नागरिक बना करके आगे बढ़ा था। आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व महेश आश्रम की स्थापना की गई। स्थापना का मुख्य उद्देश्य उस समय उदयपुर की हर झील, फतेह सागर, उदय सागर, गोवर्धन सागर, हर झील में नवजात पूर्ण परिपक्व नवजात कन्याओं के शव पाए जा रहे थे। यहाँ तक कि फतेह सागर में एक बार में 4-4 पूर्ण परिपक्व नवजात कन्याओं के शव पाए गए। जब उन्हें देखने का अवसर प्राप्त हुआ तो लगा कि नहीं, उन्हें समय रहते अगर सुविधा दी जाती तो बचाया जा सकता था। वो पूर्ण परिपक्व भ्रूण नहीं, शव थे, सतमाशी। हमारे यहाँ सतमाशी बच्चों को बचा ही तो लिया जाता है, जो 1.25 किलो 1.5 किलो के होते हैं जन्म के समय। तब बस मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिनके घर में अनचाही संतान का जन्म होता है और उसे फेंकने के लिए इतना दूर सुनसान स्थान ढूंढते हैं, तो एक पालना हम ऐसी जगह लगा दें, सुनसान जगह, ताकि वो वहां आकर अपने बच्चे को वहां छोड़ दे। कम से कम फेंके तो नहीं, मारे तो नहीं। यही सोच के हमने हमारे बाहर एक आश्रम के बाहर पालने की स्थापना करी और लोगों को मैसेज दिया, फेंको मत, हमें दो। और प्रभु कृपा से पहले ही माह में 3 नवजात शिशुओं का जीवन उस पालने में प्रलवित हुआ। आज लगभग 5 वर्षों में हमारे पास 58 नवजात शिशुओं का जीवन प्रलवित हुआ है, जिसमें से 15 नवजात शिशु अभी हमारे पास है। और सरप्राइज, 15 में से अब समझेंगे 6 बच्चों का वजन अभी 1.5 किलो के आसपास है, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो, और 5 बच्चों का वजन 2.5 किलो से नीचे है। कहने का मतलब वो लो बर्थ वेट और प्री मेच्योर है। अगर ये पालना नहीं होता तो शायद हमें अगले दिन अखबारों में वही सुर्खियां पढ़ने को मिलती कि फलानी डस्टबिन में, कचरे की झाड़ियों में या कटीली झाड़ियों में, नदी तालाब में एक पूर्ण परिपक्व भ्रूण प्राप्त हुआ। क्योंकि सतमाशा बच्चा जन्म के तुरंत बाद अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो भ्रूण ही तो दिखेगा। आज हमारे पास 1.25 किलो तक के बच्चे हैं जो अभी आप देखेंगे। ईश्वर ने उनकी रक्षा कर ली पालने के माध्यम से। मैं खुश किस्मत हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतने अच्छा सेवा का अवसर दिया। 2 बच्चे जस्ट करवट बदलना, एक सीखा है और एक सीखने वाला है, और 2 बच्चे पांव पर है। कुल 15 बच्चे आश्रम में प्रलवित है। आज इन बच्चों की वजह से जो निसंतान दंपति, जिनके जीवन में जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, जीवन खाली था, सूनापन था, 37 बच्चे गोद जा चुके हैं। कितनी अच्छी बात है, बच्चों को प्यार मिला, माता पिता को जीवन का उद्देश्य, और हमें क्या चाहिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा जीवन, इतना बड़ा सेवा का अवसर प्रदान किया। कभी ईश्वर से बात होती है तो मैं सोचता भी हूँ कि ईश्वर ने क्या सोच के मुझे इतना सेवा का अवसर दिया, पर हाँ, मैं लकी हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा ईश्वर को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। ईश्वर मुझे भक्ति व शक्ति दे कि मैं उस हर बच्चे तक पहुंच सकूं जिसको हमारी जरूरत है। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास कोई भी नवजात शिशु डस्टबिन में, झाड़ियों में, असुरक्षित स्थान पर पाया जाए, प्लीज आप हमारे मोबाइल पर हमें तुरंत सूचना दें। विश्वास रखें, आपको किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई से नहीं गुजरना होगा। अगर आपके आसपास कोई भी निसंतान दंपति है तो प्लीज आप उसे प्रेरित करें कि जाओ एक बच्ची को गोद ले लो। उस बच्ची को माता पिता का नाम मिल जाएगा, परिवार का स्नेह मिल जाएगा, समाज का संरक्षण मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, उस दंपति को जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। अतः प्लीज आप उस दंपति को रिक्वेस्ट करें कि आप उस संस्था में जाएं और एक बच्ची को गोद ले ले। हमारे यहाँ कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, कैशलेस एडॉप्शन है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एडॉप्शन का कोई खर्चा नहीं लगता है। वकील फीस, कोर्ट फीस, स्टाम्प, टाइपिंग, फोटो स्टेट, सारा खर्चा संस्था करेगी, आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा। बस आप तो उस बच्चे की प्यार से सेवा करें, अपने घर को पूर्णता दें,
यही मेरी आप सबसे विनती है। इस काम के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 94141-63163। मैं रिपीट करूंगा 94141-63163। प्लीज आगे आए, हमें सहयोग करें ताकि हम अधिकतम बच्चियों के जीवन तक अप्रोच कर पाए जिनको हमारी जरूरत है। भ्रूण हत्या एक अभिशाप है समाज के लिए, और उसको दूर करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूंगा कि अल्टीमेट हमें भी किसी माँ ने ही जन्म दिया है, और वो माँ ही कभी बेटी थी। अगर आज बेटी नहीं रहेगी तो कल यह समाज नहीं होगा। मेरी आप सबसे विनती है, बेटियां आज पुरुषों से बहुत आगे है, बेटों से बहुत आगे है, उन्हें बोझ नहीं माने, वो हमारा आधार है। आज हम नारी की पूजा लक्ष्मी के रूप में करते हैं, सरस्वती के रूप में करते हैं, दुर्गा के रूप में करते हैं, तो बेटी के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? अपना अपना काम कैमरे की तरफ मैं देखो, सिर्फ पार्लर में झूला झूला इस बालक को महाराणा भोपाल चिकित्सालय के पन्नाधाय महिला चिकित्सालय के द्वार पर आश्रम द्वारा स्थापित पालने में छोड़ा गया। अब सरप्राइज करेंगे, जब इसको छोड़ा तब इसका वजन 1 किलो 200 ग्राम था, मात्र 1 किलो 200 ग्राम। ये छठमाशिया है, प्री मेच्योर, अर्थात 24 माह पर ही इसका जन्म हो गया। आज ये 52 दिन का है और इसका वजन मात्र 1 किलो 400 ग्राम है। 52 दिन एडमिट रहा, आज हम इसको हॉस्पिटल से लाए हैं, 4 बार ब्लड चढ़ा, 46 दिन ऑक्सीजन पर रहा, 47 दिन ड्रिप पर रहा, लाइफ से स्ट्रगल किया और आज अल्टीमेटली हमारे साथ में। सब इसी प्रकार से जटिलतम अवस्था में बच्चे प्राप्त होते हैं, जैसा मैंने कहा था प्री मेच्योर और लो बर्थ वेट, तो ये उसका एक जीवंत एग्जाम्पल। ये वार्मर है, क्योंकि इन बच्चों को माँ के तापमान पर मेंटेन करके रखना रहता है, तो ये बच्चा भी वार्मर पर है। वो फोटोथेरेपी मशीन है। आश्रम में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूबॉर्न बच्चों से रिलेटेड। हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, हमारे पास में नेबुलाइजर है, हमारे पास सक्शन मशीन है, हमारे पास कन्वर्टर्स है। इंटर में ले जाके कांटे निकलवाए शरीर में से, क्योंकि जाड़ियों में फेंक दिया गया, हाथ से कांटे नहीं निकला, ओटी में लेके गए और सर्जरी के द्वारा कांटे बाहर निकाले हैं। क्यों करते हैं ऐसा? नहीं चाहिए तो पालने में छोड़ दो ना, क्या जरूरत है फेंकने की, क्या जरूरत है मारने की? कब से काम कर रही हैं? सर बता रहे हैं, 2 साल हो गए। कैसा लगता है आपको यहाँ काम करके? हमें यहाँ काम करके बहुत ही अच्छा लगता है, और हम इनको अपने बच्चे ही समझ के सेवा करते हैं, और हम जितनी भी हमारे घर की टेंशन है यहाँ आकर हम सब भूल जाते हैं। हम इनको, हमको बच्चों के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है, और इन बच्चों की सेवा करके हम अपने आप को खुद किस्मत समझते हैं। और हम ये कहते हैं कि इन जो भी कोई मजबूरियाँ रही हो, इन बच्चों को कहीं मत फेंको, नदी नाले में कहीं भी नहीं, और हमारे जो पालना घर है वहाँ पर इन बच्चों को छोड़ के जाएँ। हम इन बच्चों से माँ से भी ज़्यादा प्यार देते हैं। आज तक 57 बच्चों की जिंदगी बच चुकी है, और 37 बच्चे गोद जा चुके हैं। तो हमारे को खुद को ICU डेवलप करनी है, और दूसरा जैसा मैंने बताया, बड़े अस्पताल के जनाना चिकित्सालय के गेट पर, यहाँ पर महिला आए और अपने संतान को यहाँ पर इस पालने में छोड़ दे। इस पालने में बच्चे के छोड़ने के 2 मिनट बाद घंटी बजेगी, उस 2 मिनट में वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस बच्चे का जीवन बचाना है, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी या पहचान करना नहीं कि किसने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारे को कोई मतलब नहीं, हमारा उद्देश्य तो केवल उस मासूम का जीवन बचाना है। इस परिकल्पना से हमने 2 पालने की स्थापना करी है, एक यहाँ पर, एक चिकित्सा।